The distance between the old and the new parliament probably might just appear to be a distance which is walking from one lane to the other, but it's a historical occasion as India bids goodbye to the centuries old parliament building, and we move to the new parliament building. And this time around, what we see in the new parliament building, this is the Makar Dwar. The Prime Minister, in fact, will be walking from the old parliament building to the new parliament building, will be going inside as well and making it functional from today onwards. So, huge landmark as far as Bharat is concerned, huge landmark as far as India is concerned. Migration from the old to the new. मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं, तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए, ताकि ये हमेशा हमारे रक्ष के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे, तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते, तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए, उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं। और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य माँ भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना, वो वक्त चला गया है।
सर नई पार्क नई बिल्डिंग पे जा रहे हैं सर, कुछ कहेंगे? सर हटो ना मैडम, कैसे मैडम? नहीं इनके संग नहीं, मुझे तो वरुण जी भाई साहब का सीजन है।